खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। बराड़ खबर बराड़ से ही जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां दो महिलाओं के अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से उसकी अस्थियां गायब हो गई। मौके पर तंत्र क्रिया वाली चीजें, मांस के टुकड़े और पुतला नींबू जैसी कई चीजें मिली हैं। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस और नगर परिषद में की है। बता दें कि सावन के महीने के दौरान अमावस्या की रात को तांत्रिक शक्तियों की सिद्धि के लिए काफी खास बताया गया है। मामला शिवपुरी जिले के बराड़ के शमशान घाट का है, जहां से तांत्रिक विद्या का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दो दिन पहले शमशान घाट में जहां दो महिलाओं के शव का अंतिम संस्कार किया गया था, आज वहां रविवार को उछावनी के दौरान तांत्रिक विद्या की पूजा करने का सामान मिला है और मृतकों की अस्थियों से सिर और पैर गायब है। इसके बाद परिजनों ने तांत्रिक विद्या होने पर आपत्ति जताई है। मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस घटना की जांच में जुट गई है। बता दें कि बीती शुक्रवार को बराड़ में दो महिलाओं सिद्धि अग्रवाल सुशीला बाई गोयल की एक ही दिन मृत्यु होने के बाद परिजन उन्हें बराड़ के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए ले गए। उसके बाद परिजन रविवार को अस्थियां चुगने शमशान घाट पहुंचे थे, तो जहां अंतिम संस्कार किया गया था वहां से दो शराब की बोतल, अंडे, दो सिगरेट की डिब्बी, मांस के टुकड़े, मिठाई, नमकीन, नींबू, सिंदूर, महावर, काले उड़द, दही, मिट्टी के खपरे और आटे का पुतला पड़ा मिला है। इतना ही नहीं, दोनों महिलाओं की अस्थियों से सिर और पैर सहित अन्य अस्थियां गायब है। तांत्रिक विद्या पर आपत्ति जताते हुए मृतक महिला के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस और नगर परिषद को दी। इस मामले में शमशान घाट के चौकीदार के बेटे का कहना था कि उसने रात करीब 11 से 12 के बीच वहां पर किसी महिला और व्यक्ति को देखा तो जो कि वहां पर घूम रहे थे। इस प्रकार की तांत्रिक विद्या होने से पूरा नगर दहशत में है। अमर बंसल वहाँ के रहने वाले हैं। बराड़ की क्या कुछ मामला है? शमशान घाट का पूरा मामला। हम यहाँ पर उठाने के लिए आए थे बराड़ में मुक्तिधाम पर, तो मुक्तिधाम में तांत्रिक द्वारा यहाँ पर देखा तो यहाँ की मतलब जो लड़कियाँ हैं वो गायब मिली है। हाँ, तांत्रिक द्वारा तो जो देखा था नरियल है वहाँ पर, बतासी है, पुतली के पुतला से बनी हुई है, जो भी आटे के और जो भी सामान पूरा सामग्री मिली है तो यहाँ से सिर और पैर गायब है। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? अभी हम आए थे वहाँ से, घर से यहाँ ओटा निकलने के लिए। तो किसी ने आपको बताया, आपको कोई आया? दो चार लोग बता रहे थे कि यहाँ दो लेडीज और दो जेंट्स आए रात से। शमशान घाट का मामला ये है कि हम लोग अभी 9 बजे जो उठावनी का कार्यक्रम होता है तो अस्थियाँ उठाने के लिए आए थे सब परिवार। परसों के दिन की क्या घटना है कि सुशीला देवी सेवक गुप्ता हैं दुलारे वाले, उनकी माताजी शांत हो गई थी, उनकी परसों 11 बजे यहाँ पर चिता को अग्नि दी गई थी। इसके बाद में सिद्धि अग्रवाल पूरन गुप्ता की माताजी, उनका भी परसों ही स्वर्गवास हुआ था, उनकी भी यहाँ पर 6 बजे मुखाग्नि दी गई थी। तो दोनों यहाँ पर इनकी चिताएँ जलाई गई थी और जब आज हम लोग यहाँ पर उठावनी के लिए दोनों ही परिवार यहाँ आए थे, जब हमने आके देखा है कि उनकी सुशीला देवी के चिता के सिर की तरफ से एवं पैर की तरफ से कुछ राख निकाल ली है, कुछ हड्डियाँ निकाल ली हैं एवं नरियल वगैरह सिंदूर विंदूर लगा के वहाँ पर क्रियाक्रम किया गया। इसी तरह सिद्धि अग्रवाल जिनकी भी पैरों के यहाँ से कुछ मिट्टी एवं हड्डियाँ निकाली गई हैं एवं उनके सिर के यहाँ से भी कुछ वो निकाली गई हैं एवं सिंदूर विंदूर लगा के और यहाँ कुछ 5-6 कपड़े लगा के आटे के पुतले बनाए एवं कुछ मांस, दाल, नींबू, जो भी तांत्रिक क्रिया होती है वो पूरी की गई है और वो तांत्रिक क्रिया के द्वारा यहाँ से हमारे अस्थियाँ कुछ लोग उठा के ले गए हैं सामाजिक तत्व के लिए। और भी हम लोग इसको बताएंगे, सीएमओ साहब को फोन लगाया अभी, तो सीएमओ साहब इस मामले पुलिस से आपने कुछ बोला है? नहीं, अभी पुलिस से किसी से कुछ नहीं बोला, बाकी हम सब लोगों ने देखा है और देखने के बाद में अभी इसकी सूचना भी हमने सीएमओ साहब को ही फोन पे दी है और अब आगे और देंगे, लोगों को बताएंगे। बराड़ से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकुर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।